सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, तो बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है कल सीएम आवास पर दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली है बैठक, तो काफी अहम खबर ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की होने वाली है। तो बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक दोपहर 12 बजे कल सीएम आवास पर ये बैठक होने वाली है। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर और साथ ही पंचायत चुनाव भी हैं, हालांकि बीजेपी ये साफ कर चुकी है पंच सरपंच ब्लॉक समिति सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, जिला परिषद का फैसला जिला कार्यकारिणियों पर छोड़ दिया गया है, लेकिन आदमपुर उपचुनाव को लेकर खास तौर पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक कल सीएम की अध्यक्षता में सीएम आवास पर होगी बैठक, आगामी कैबिनेट बैठक को लेकर भी चर्चा की जाएगी, साथ ही आदमपुर उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। चलिए हमारे संवाददाता रवि कालीरमन चंडीगढ़ से फोन लाइन पर हैं। रवि, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा संभव? बिल्कुल ज्योति, देखिए बीजेपी विधायक दल की कल मंगलवार को अहम बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होगी। आदमपुर उपचुनाव और कैबिनेट बैठक समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। इससे पहले अगर बात की जाए तो 19 तारीख को जो है कैबिनेट की एक बैठक बुलाई ही गई है, उस पर भी लेकर विचार विमर्श किया जाएगा कि कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं जो बैठक में शामिल किए जाए, किन मुद्दों पर चर्चा की जाए, उसको लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा आदमपुर उपचुनाव को लेकर इस बैठक में विधायक दल की बैठक में चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से पूरा जो अमला है वो यूज करना है, तमाम जो नेता हैं वो किस प्रकार से आदमपुर की जनता के बीच जाएं, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, कौन से मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़ा जाए, तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। तो काफी अहम इस बैठक को माना जा सकता है रवि, चूंकि आदमपुर उपचुनाव की तैयारी में बीजेपी लगातार जुटी है, जीत के दावे लगातार किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बैठक भी बुलाई गई। बिल्कुल ज्योति, देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से बीजेपी की रणनीति रहती है वो रणनीति के तहत काम करने वाले लोग हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उससे पहले चुनाव से पहले इस प्रकार की रणनीति बनाना कि किस प्रकार से कौन से मुद्दे हैं वो लेकर जनता के बीच जाने हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो आदमपुर के नहीं हो पाए, उन लोगों आदमपुर के लोगों को विश्वास दिलाना है कि अगर आप सत्ता के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि 26 साल से आदमपुर के जो लोग हैं वो विपक्ष में रहे हैं, अब 2 साल जो ही सरकार के कार्यकाल के बचे हैं, तो ऐसे में 2 साल अगर आप सत्ता के साथ जुड़ते हैं तो आपके तमाम जो पेंडिंग काम हैं वो हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर इन्हीं चर्चाओं को इस बैठक में शामिल किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। उसके बाद आदमपुर में तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं या MLAs हैं वो प्रचार के लिए जुटेंगे। जी बहुत शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी आपने दी। तो रवि कालीरमन हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से आपको जानकारी दे रहे थे कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर होगी। सीएम आवास में होने वाली इस बैठक में कई अहम विषयों को लेकर, खासतौर पर आदमपुर उपचुनाव को लेकर, आगामी कैबिनेट बैठक को लेकर चर्चा की जाएगी।